नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप जानते हैं लगभग 7-8 दिन पहले एक वीडियो लेकर आया था आप लोगों के लिए मैं BEL की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, और आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग चिंता मत करना 29-30 या फिर 28 को आप लोगों को मेरे चैनल पर इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको BEL की नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद उससे ही जुड़ी AITT की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है, सो पूरा हमारे सामने जो है क्लियर हो चुका है कि आप उस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज़ पहले बता दूं, इसमें आगे बढ़ने से पहले BEL की नौकरी की डिटेल एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता रखी है। ये वीडियो आप लोग देखो, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी क्लैरिटी मैंने दे रखी है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बस जो मेन पॉइंट था उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है इस वीडियो में, तो वो क्या मेन पॉइंट था अभी आपको मैं बताता हूँ। आप लोग जानते हैं BEL की नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप के बेस पे आप लोगों का फॉर्म भरना था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि ये बोलने लग गए कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया, अभी मार्कशीट आई है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जनरल और OBC वाले बच्चों को स्टॉप कर दिया था क्योंकि आप लोगों की फ़ी वहां पर लग रही थी। मैंने SC ST वाले बच्चों को बोला कि आप लोग अप्लाई कर लो क्योंकि आप लोग का कोई भी पैसा नहीं लग रहा। अब यहां पर क्लैरिटी हमारे सामने आ गई है। ये जो रनिंग लाइन आप देख रहे हैं, NAC सर्टिफिकेट फॉर ATS AITT 110 विल बी अवेलेबल आफ्टर द क्लोजर ऑफ ऑल दी ग्रीवेंसेज टेंटेटिवली आफ्टर 25th of February। अप्रेंटिसिस में यूज दियर मार्कशीट फॉर एनी जॉब एजुकेशन एक्सेट्रा पर्पसेस फॉर द टाइम बीइंग। ये बोल रहे हैं कि 25 फरवरी के बाद आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो भी टेंटेटिव है। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपनी मार्कशीट के बेस पे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी आगे क्वालिफिकेशन को आपको बढ़ाना हो, उसमें आपको ज़रूरत है इसकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मार्कशीट के बेस पे। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें गुजरात है, गुजरात के बच्चों का सर्टिफिकेट आ चुका है, जैसे कि मेरे पास खबर आ गई थी। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न थी, आप लोगों को बता दूँ कि BEL की नौकरी के लिए आप अप्लाई कर लो, आपको कोई भी परेशानी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्कशीट के बेस पर अप्लाई होगा, वहाँ पर आप लोगों से सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगेगा। अप्लाई करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन मेरे को बच्चों ने बताया कि सर नहीं मांग रहे, तो हम जो है मार्कशीट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ जी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरी क्लैरिटी आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दी है। मैंने वीडियो आप लोगों को कल भी प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन मैंने BEL से उसका रिलेशन नहीं जोड़ा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को आज इस चैनल पर क्लैरिटी दे देता हूँ। आई होप कि अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर मैं छोटी छोटी अपडेट्स आप लोग को टाइमली दे ही रहा हूँ, उसे आप लोग जो है जाइए सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपडेट्स पाइए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ITI से रिलेटेड जो भी नौकरी होती है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसका नोटिस अपडेट्स आप लोगों को टाइमली नहीं मिल पाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, BEL की नौकरी में कौन अप्लाई कर सकता है आप जाइए और देखिए डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 110B की अपडेट कब आएगी। आज रात में RTI डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताइए RTI के बिना मैं जो है यहां पर चीज़ों को आगे प्रोसीड नहीं करता। 110B के लिए RTI डाल रहा हूं, 111 का भी उसमें मैंशन कर दूंगा कि 11 के फॉर्म जो है कब निकलेंगे, नोटिस कब आएगा, उसकी भी जानकारी आपको जो है RTI के माध्यम से मैं प्रोवाइड करूंगा। तो हैव सम पेशेंस, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 28 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, वो भी आप लोगों का रिजल्ट आया। उसके बाद मैं AITT को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली दे रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट जिसका नहीं आया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्कशीट के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा ही डिपार्टमेंट बकवास करे ऑफलाइन वाला, तो आप लोग उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ पर ऑफिशियली साइट पर जो है अपडेट हो गया है। अगर ये वो मना करता है डिपार्टमेंट, तो फिर आप उनके अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेन कर सकते हो। धन्यवाद, बस यही अंत में आप लोगों को बोलूँगा, और चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।